तो हे गाइस, आज का ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है सुबह से। तो देखिए अभी आ गया है समर सीजन और गर्मी भी आ गई है ताबड़तोड़ वाली। तो आपके शहर में गर्मी कैसी है ये बताना। हमारे यहाँ जयपुर में दो दिन में टेम्परेचर ने इतने भाव बढ़ाए कि लड़कियाँ भी अपने भाव इतनी जल्दी नहीं बढ़ाएं। खैर, तो आपको पता ही है आज था संडे का दिन, तो सुबह सुबह उठ के कुछ खाना था, एक तो लेट उठे थे और उसके बाद कुछ खाना था। तो मेरे हस्बैंड की शुगर थोड़ी हाई चल रही है, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेव होती है, शुगर वालों को कुछ ज़्यादा ही होती है। मैंने कहा अब हेल्दी कुछ खाओ, ऑलरेडी शुगर हाई है। तो मैंने काट लिया जी तरबूज और फिर मैं बैठ गई खाने। उसको मीठा था क्योंकि मैं खा पी कर बना रही हूँ, मतलब सॉरी ओवर वॉइस कर रही हूँ वीडियो, इसलिए अच्छा था। सबसे पहले काना को खिलाया और फिर हमने खाया। और देख रहे हो आप धूप कितना तेज हो गई है, बहुत गर्म है। और इस रूम से वैसे तो एक्चुअली सच बोलूँ तो यहाँ तक आती है। अभी टाइम हुआ है 4:15, आपको दिख रहे होंगे सामने, बहुत ज़्यादा आती है। और सर्दी में ना इसी रूम में नहीं आती है। तो अभी दीदी माँ पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कहा चलो यहीं पे थोड़ा सा बैठ के इंजॉय कर लिया। इंजॉय तरबूज, हम लोग वैसे फ्रूट नहीं खाते हैं, बट यस समटाइम्स हम लोग खाते हैं। मैं उसको थोड़ा सा, मैं देख रही थी बुक्स उसकी ना, अभी वो 10th में हो गई, तो 1-2 महीने में स्टार्ट अच्छे से कराएंगे, बाकी अभी तो पढ़ ही रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए आप भी खा लीजिए तरबूज। ये तुलसी इसलिए कि काना ने खाया है। और ये टेबल मैंने ना लास्ट ईयर मंगवाई थी, तो काफ़ी अच्छी है खाना खाने के लिए भी। 375 या 300 कुछ की थी। हाय खा लो, कैसा है देखो, मैं भी खा रही, मीठा होगा वैसे, अच्छा है ना। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं मीठा है। तरबूज फिर मिलेंगे आपसे। तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं एक्चुअली पानी पूरी। तो पानी पूरी वैसे मैं ऑलरेडी रेसिपी आप लोगों के साथ 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने बाहर से ही मंगवाई हैं। सबसे पहले तो मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर लूँगी थोड़ा सा और फिर पानी बनाऊँगी। पिछली बार मैंने अलग दिखाया था, आज मैं एक कैरी का पानी आपको दिखाऊंगी कि घर पर कैसे बनाते हैं। पहले इनको निकाल लेते हैं सारा अरेंजमेंट और मसाला भी सिखाऊंगा। वैसे मसाला तो मैंने पिछली बार भी बताया था, एक दिन आज मैंगो नहीं मिला, वरना मैंगो का दिखाऊँगी, मैंगो वाला खाना अच्छी कैरी का। पहले इसे आराम से इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी पानी पूरी मस्त मस्त। और अब हम बनाएंगे पानी, इसके लिए मुझे सबसे पहले कच्ची कैरी चाहिए, कच्चा आम, और ये हैं धनिया के क्यूब्स और ये हैं मिंट की, जो मैंने आपको बनानी सिखाई है। आपके पास फ्रेश है तो आप ऐड कर सकते हो, आपको जैसा मैंने कहा मेरे पास नहीं होता है तो मैं इसी तरीके से ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले ले लेंगे जार और अपना सबसे पहले मैं क्यूब्स ऐड कर दूंगी। आप फ्रेश धनिया या फिर ऐड कर सकते हो, मैंने धनिया और ये मतलब पुदीना दोनों की कर दिया, इसको छील के ऐड करेंगे। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इस तरीके का ही लेना ताकि खट्टा मीठा दोनों का टेस्ट आए। अब इसके अंदर मैं एक ग्रीन चिली ऐड करूंगी, थोड़ा सा पानी और फिर इसको पेस्ट टाइप बना लेंगे। तो थोड़ा सा पीसने के लिए ऐड करते हैं पानी। तो देखिए ये ना पेस्ट बन गया है इस तरीके का। अब हम लेंगे इस तरीके से एक बाउल और इसके अंदर ये निकाल देंगे। आपको कितना तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अब इसके अंदर हम ना ठंडा पानी ऐड करेंगे, आप आइस ऐड कर सकते हो बाद में, लेकिन मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, 2-3 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो फिर भी 1 लीटर ऑलमोस्ट ये हो गया है। मैं इसी में हल्का सा हींग ऐड करती हूँ, देखिए क्योंकि घर पे हम अलग अलग पानी नहीं बना सकते, ओकेजनली मतलब पार्टी वार्टी के लिए तो बना लेते हैं यार, पर ऐसा नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनता टू बी ऑनेस्ट। तो ये हींग ताकि सबका टेस्ट एक ही में आए। और उसके बाद ब्लैक सॉल्ट, उसके बाद जीरा पाउडर पिसा हुआ, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैं ऑल इन वन पानी बना रही हूँ, खट्टा मीठा टेस्टी। अब थोड़ा सा ना इमली का पल्प ऐड करेंगे इसमें, मैं ऑलरेडी बना के रखती हूँ, एक्चुअली फ्रीज में ना थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इमली का पल्प ऐड करना है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ पानी पूरी मसाला, थोड़ा सा आप जलजीरा ऐड कर सकते हो, तो ये ऐड कर देंगे
थोड़ा चख लेना इसको। अब मिक्स कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा रह गया तो इस तरीके से प्रेस करके, और अब थोड़ी सी बूंदी, मैं तो थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ बूंदी, और अब मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा यम्मी यम्मी सा ऑल इन वन पानी, और घर के पानी की बात ही अलग होती है, एकदम खट्टा मीठा पानी रेडी हो गया। आप कहेंगे मीठा कैसे, तो इमली का जो पेस्ट है इसमें मैं गुड़ मिला के रखती हूँ, आप छोटा सा पीस ऐड कर लें अगर आप नहीं करते या मार्केट वाला यूज़ करते हो। इसको कर देंगे साइड, ये हो गया है रेडी। अब मसाला तैयार करते हैं। बहुत ही बनता है कैरी से बनाओगे ना, कैरी का पानी बहुत टेस्टी बनता है। अब देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मसाला, तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको इस तरीके से ले लेना है बॉईल आलू, चने बने ये तो कैसे भी बना लो, ये बॉईल आलू है, इधर मैं थोड़ा अभी बॉईल किया है। और फिर मैं बहुत सारा प्याज हरी मिर्ची ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग को प्याज ज़्यादा पसंद है आलू का। और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, तो ये धनिया हरा, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा क्योंकि पानी में देखना होता है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, और बस इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो हम लोग तो क्या ऐसे सिंपल ही बना के खाते हैं, आप इसमें चने छोले कुछ भी ऐड कर सकते हो। हाँ, मैंगो सालसा वाला पानी, सॉरी मैंगो सालसा वाला मैं अलग बनाती हूँ, जो भी मैंगो आना स्टार्ट हुआ है आपसे जरूर शेयर कर दूँगी फिर कभी। तो चलो ये भी हो गया है रेडी, के पानी रेडी है, पानी पूरी रेडी है, मसाला रेडी है, तो फिर किस चीज़ की देरी है, खाते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले तो लेंगे पानी पूरी, ये आटे वाले हैं, दाल वाली उस दिन हमने खा ली थी। और सबसे पहले लेंगे मसाला, दोनों में फिल किया मसाला, और अब ठंडा ठंडा टेस्टी टेस्टी पानी। तो ये आपके लिए सबसे पहले, आप खाओ, टेस्टिंग करेगी रिद्धिमा और बताएगी आपको कि कैसे बने हैं। ये आपके लिए, तो टेस्टी बनी है, तो आप भी खा लीजिए। और अब हम करते हैं फटाफट एंजॉय, मेरे तो बहुत में पानी आ रहा है, रुका नहीं जा रहा है। गाइस हम तो सब लेके बैठ गए हैं इधर साथ में, हम देख रहे हैं निक्की किस किस को पसंद है, मुझे बहुत फेवरेट है। तो बस अब करेंगे एंजॉय, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा।